माइक चेक, सेटिंग माइक, ओके। चेकिंग फोकस, फोकस चेक, अमित रेडी? यस सर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमित माइकल एंड टुडे आई हैव वेरी फेमस राइटर, लिरिसिस्ट, पोएट सीएम हरचंदानी। टू इयर्स, फोर बिग हिट सॉन्ग्स, टू बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स, नॉट माय टाइप, टू बेस्ट फ्रेंड्स एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड सियारा। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। वेल, आई रेड ऑल योर बुक्स एंड आई लव योर राइटिंग एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर सियारा। इवन मैं ही नहीं, यहाँ बेटा हर कोई सियारा का ही तो वेट कर रहा है। वेल, आपने इंटरव्यूज तो बहुत दिए होंगे, लेकिन मैं ही नहीं, हर कोई ये जानना चाहता है आप इन किताबों की कहानी कैसे बुनती हैं, क्योंकि हमने आपकी हर कहानी में अधूरे इश्क को पढ़ा है, तो क्या ये पूछना गलत ना होगा कि ये कहानी सच है? अमित, कहानियां तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें सच मानना ये सिर्फ एक कल्पना, वो हमारे हाथ में होता है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो कहानियां सिर्फ हमारी होती है। इश्क अधूरा हो या पूरा, इश्क हमेशा इश्क ही रहता है। सिया, आपके अकॉर्डिंग प्यार कैसा होना चाहिए? आई मीन, प्यार को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? प्यार को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, प्यार अगर अधूरा हो तो राधा कृष्ण जैसा होना चाहिए, और अगर पूरा हो तो शिव पार्वती जैसा। वाओ, ग्रेट। सो सिया, आज सियारा के बुक लॉन्च इवेंट पे आप हमें सियारा की कहानी खुद पढ़ के सुनानी है? हाँ। ग्रेट, सो लेट स्टार्ट। तो सियारा की शुरुआत कहां से होती है? रस्ते में टकरा गए, आंखें जो मिली उनसे शर्मा गए, बात ना हुई जो उनसे घबरा गए, बात जो हुई है उनसे सब आ गए, ना आगे चले ना पीछे गए, बस उनकी बातों में हम खो गए। रस्ते बड़े अनजाने हुए, चलते हुए उनके घर आ गए, घर आ गए। अब जाना है उन्हें और मनाना है हमें, कि कहीं ना जाए वो, ये बताना है उन्हें। कुछ बोला ना गया, बस चुप है खड़े, उनको रोकने को फिर थोड़ा आगे बढ़े। वो मुड़े देखा
क्या हुआ? क्या बोलना, क्या हो गया? कुछ नहीं, चल। क्या चाहता भला, ना जानते बता, तेरे रास्ते चला यूं हूं के बावरा, मेरी न मानता समझा दे तू जरा। है क्या बता ये मामला, जोड़ चला ये उड़ चला, दे दे जरा कोई सलाह, क्यों चला लेकिन उस प्यार को पाने के लिए दिल से मेहनत करनी चाहिए, तभी आप उस इंसान और इसके प्यार को पा सकते हैं। बेचारा बन के घूम रहा, पागल जैसे है झूम रहा, पता पता ना जमानेगा, बस तुझको हर पल ढूंढ रहा, ये बुद्धू बात न मानेगा, बस अपनी धुन में मगन रहे, इसको रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे। दिल मेरा थोड़ा सा सर फिरा, क्या चाहता भला, ना जानते पता, तेरे रास्ते चला यूं हूं के बावरा, मेरी न मानता समझा दे तू जरा। इमोशनल है पगला, सिद पे आड़ा ये मन चला, बे सबरा बे फिक्रा। क्या हुआ? पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी, अभी चल ही नहीं रही। रुको मैं चेक करता हूँ। लगता है बैटरी का इशू है, किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? पर इतनी रात में करने क्या निकली थी तुम? वो एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी तो कुछ फूड ट्राई करने निकली थी। मतलब तुम्हें भूख लगी है? हाँ। अरे नहीं नहीं, थैंक्स, आई कैन मैनेज। काफी लेट हो गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, घर भी जाना है। एक काम कर सकते हैं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आपकी गाड़ी मानव ले आएगा। पर वो तो तुम्हारे साथ है, वो मेरी गाड़ी कैसे लाएगा? अरे वो ले आएगा, उसका घर ही आसपास है, उसकी तो आदत है, है ना मानव, ले आएगा ना तू।
He's ready. चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ. क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं. चलो आ जाओ फिर और मानव को अपना एड्रेस बता दो, ये गाड़ी ले आएगा. मुझे ड्रॉप करने के लिए. अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? नहीं लेकिन फिर भी थैंक यू, नहीं तो मेरा वहाँ से आना बहुत मुश्किल हो जाता और मामा भी गुस्सा करते. मामा या पापा? हाँ मामा, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं अहमदाबाद रहती हूँ और यहाँ पर अपने घर पे वेकेशंस के लिए आई हूँ. मतलब तुम वापस जाओगी? अरे अरे टेंशन मत लो, अभी नहीं जा रही. सच में? हाँ. पर तुमने तुम्हारा नाम तो बताया नहीं. तुमने पूछा ही नहीं, डायरेक्ट पीछा करने लग गए. मैंने तो नहीं किया. अच्छा फिर उस दिन वो शॉप पे क्या कर रहे थे? वो तो मानव के लिए कुछ लेने आया था. अच्छा मानव को ब्रा खरीदनी थी? अरे नहीं नहीं वो तो. अरे टेंशन मत लो, मजाक कर रही थी. आई एम सिया. राघव. नाइस नेम ब्रो. ब्रो दोस्ती वाला, भाई वाला नहीं. चले भैया अब. थैंक यू. सिया मैं नंबर ले लो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना. मेरे चाचा मैकेनिक ही हैं. तूने मुझे तो कभी नहीं बताया कि तेरे चाचा मैकेनिक है. सिया तुम नंबर ले लो, इसकी तो आदत है मजाक करने की. अब चले सर, या और कोई प्लान भी है? बाय सिया. बाय. सिया तुमने कहा दोस्ती वाला ब्रो, मतलब हम दोस्त हैं अब? चलना भी यार, जल्दी कर यार, लेट हो रहे हैं. अच्छा राघव, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मतलब कैसी लड़की का इंतजार है अपनी लाइफ पार्टनर के लिए? परफ्यूम के जमाने में इत्र से महकने वाली का इंतजार है, अरिजीत सिंह के गाने नहीं श्री कृष्ण के भजन गुनगुनाने वाली का इंतजार है. रील के जमाने में फील देने वाली का इंतजार है मुझे तो. बस बस क्या? बस तुम्हारे हाँ कहने का इंतजार है. नाइस फ्लर्टिंग. अच्छा करीना, वैसे तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे सोनिया. और तुम्हारा? दुनिया. और सिया तेरा? सब तेरा. और राघव तुम्हारा? सब आपका.
देख लियो। Finally you fell in love. क्या हुआ? Smile क्यों? हम ये क्यों कहते हैं कि fall in love? हम ये क्यों नहीं कहते कि grow in love? Fall in love में तो गिरते चले जाते हैं, जबकि grow in love में हम और हमारा प्यार बढ़ता चला जाता है, जो forever love से भी ज़्यादा होता है। इसलिए fall in love नहीं, grow in love. राघव, तुमने हम दोनों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों की कास्ट अलग है तो कैसा क्या होगा? कास्ट अलग है तो क्या हुआ, प्यार तो एक ही है ना एक दूसरे के लिए। तुम्हें पता है मैंने सब बता रखा है तुम्हारे बारे में मेरे घर पे। उन्हें ना तुमसे प्रॉब्लम है ना तुम्हारी कास्ट से। तुम्हारे घर पे नहीं है राघव, पर मेरे घर तो है ना। मेरे यहाँ कास्ट को काफ़ी मानते हैं। कास्ट अलग होने से कुछ नहीं होता सिया, रिश्ते में प्यार होना चाहिए। और अगर सेम कास्ट में रहकर भी प्यार ना हो तो क्या ही मतलब उस रिश्ते का। तुम टेंशन मत लो सिया, मैं तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में हूँ। बस तुम हमेशा मेरा साथ देना सिया, क्योंकि प्यार में कोशिश हमेशा दो लोगों की होती है। अगर एक गिव अप कर देगा तो प्यार और रिश्ता दोनों बिखर जाएंगे। अब रोने मत लग जाना, वैसी बूढ़ी लगती हो, नहीं तो और खराब लगोगी। यू अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद हमारा हैशटैग क्या होगा? हैशटैग क्यों? हैशटैग तो अभी ट्रेंडिंग में है ना, बताओ क्या होगा? हाथ दो। क्यों? अरे दो ना। क्या हुआ? अरे दो तो सही। हमारा हैशटैग सियारा। वो तो सियारा नहीं, सियारा। इतने अच्छे लव्स में भी कमी छोड़ रहे हो। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? प्यार के खूबसूरत लफ्जों में कुछ कमी तो रहनी चाहिए, ताकि आगे चल के उन कमियों को पूरा किया जा सके। अगर सारी कमियां अभी से ही पूरी हो जाएंगी तो ये रिश्ता आगे चल के अधूरा सा लगने लगता है, और मैं नहीं चाहता कि अपना रिश्ता अधूरा सा लगे। मैं राघव और तुम सिया, ये शब्द अपने आप में ही पूरे हैं। फिर कहानी चाहे श्री राम और माता सीता की हो, या राघव शर्मा और सिया मेहर चंदानी की हो, कहानी तो हर हाल में पूरी होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अब चलो, वरना तुम्हारे मेरे मामा ससुर यहाँ आ जाएंगे हमें ढूंढते हुए। अच्छा राघव, मैं बताना भूल गई कि मैं कल जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अहमदाबाद। और कहाँ? पापा का कॉल आया था, बुला रहे थे।
और तुम्हें तो पता ही है हमारे घर पे पापा की बहुत चलती है। अरे पागल हो क्या, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। सिया बस कुछ दिन और, मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मैं इस बार तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता है ना पापा को गुस्सा, वो नहीं मानेंगे। और बर्थडे की क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम अहमदाबाद आ जाना, तुम्हारे ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सिया बट कुछ नहीं, मूड सही करो और मुझे घर ड्रॉप करो। और तुम ही ने तो बोला था कि हमारी कहानी पूरी है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। और मेरी बात सुनो, मैं यहाँ रहूँ या कहीं भी, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। अब तुम मुस्कुरा दो यार, वरना तुम भी बुड्ढे लगोगे। तेरी सगी बहन बैठी है पास, उससे तो कर ले बात, जब से आई है बस फोन में देख के बातें किए जा रही है। मान्या हटना, अपना काम करना। हाँ ठीक है, चल मत बता, करीना से पूछूंगी ऐसा क्या है जो तेरा चेहरा गुलाबी हो रखा है। कभी कहे ये दिन को रात है, कभी कहे ये शामों को सुबह, कभी कभी अकेला सा फिर है, कभी कहे सब कुछ तेरा हुआ। संभलना न चाहे ये, रुकना न चाहे दिल। क्या यार सोने देना, इतनी रात को भी चैन नहीं है तुझे, रात को भी चैटिंग करनी होती है। अच्छा सुन, तुमसे जो मिली तो मैं अधूरी रह रही।
इस बार तो मेरा बर्थडे अहमदाबाद में ही मनेगा। ओके बाय। तो तेरा ये कहना है इस बार तू अपना बर्थडे सिया के साथ मनाएगा? हाँ, तुझे बताया था ना उसकी एक फ्रेंड है खुशी, उससे बात होती है मेरी। उसको बताई थी मैंने सेम प्लानिंग कि मैं आऊँगा अहमदाबाद सिया को सरप्राइज देने, उसमें पूरी हेल्प करेगी वो अपनी। अपनी? हाँ, तू भी चल रहा है मेरे साथ? ओ भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला तेरे साथ, तू ही। अरे नाटक मत कर यार, चल ले। नहीं भाई, मेरा तो भूल ही जा तू, मैं नहीं चल रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे। राघव, सिया को पता थोड़ी है तू यहाँ पर है। नहीं, खुशी उसे बहाना बना के किसी कैफे में लेके आएगी। चल अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा। कहते हैं खुश होने की कोई वजह नहीं होती, पर राघव मेरे लिए वो वजह थी। वाह, फिर क्या हुआ? वही जो मूवीज में होता है। सिया, तुम लोग चलो, मैं शायद गाड़ी में चाबी भूल गई। ठीक है, बस जल्दी आना है ना। मानव, तुम भी चलो मेरे साथ। चाबी इतनी भारी है कि दो जने चाहिए? वेरी फनी, चलो मेरे साथ। राघव, थैंक यू आने के लिए। तुमको पता नहीं है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। थैंक्स क्यों? तुमने ही तो कहा था कि मेरा बर्थडे साथ सेलिब्रेट करना है। लो, मैं आ गया। पर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आती ना। पर गिफ्ट तो तुमने ऑलरेडी मुझे दे दिया है। क्या? तुम खुद। तेरे संग रहना है, तेरी ओर साथ ही चलना है, तेरे लिए ही सवरना है, तेरी ओर साथ ही चलना है। तेरा प्यार मिले चल साथ जिए, तेरे साथ संग रहना है, तेरी ओर साथ ही चलना है, तेरे लिए ही सवरना है, तेरी ओर साथ ही चलना है। ओ साथी मैं से है देखा तुझको, दिल तेरा हो गया। ओ साथी मैं तो भीड़ में बन जा रही सी, फिरूं रे तेरे आशियाने में, सहारा मेरा ही सुकून रे। लकीरां विच तू है, जज्बातों में तू है, इसलिए मैंने तेरे संग रहना है।
लकीरां विच तू है, जज्बातों में तू है, इसलिए मैंने तेरे संग रहना है, मैंने तेरे संग रहना है। तेरी ओर साथी चलना है, लिखना स्टार्ट कर दूं। मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि तू बहुत अच्छा लिखती है, तो मैं सोचूं नॉवल लिखना स्टार्ट कर दूं। तुम क्या कहते हो? हाँ स्टार्ट करो ना, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का, पर एक कंडीशन है। क्या? तुम्हारी जो सबसे फेमस बुक होगी वो हम दोनों के ऊपर होनी चाहिए, जिसका नाम होगा सियारा। वादा। चलो अब लेट हो रहे हैं। हाँ भाई। अरे कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर? ये मानो मुझे कॉफी पे ले गया था, हमने सोचा तुम दोनों का किलर अटेम्प्ट स्पिन हो जाएगा। चल चल। सिया हम कल सुबह निकल रहे हैं। इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुको ना। नहीं सिया, थोड़ा सा काम है और मानव को भी बाहर जाना है। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? कल कितने बजे निकलोगे? कल मॉर्निंग की बस है हमारी। ठीक है मेरा वेट करना, मैं भी आऊंगी। तुम क्यों आओगी, हम चले जाएंगे ना। नहीं राघव मना मत करो, मैं भी आऊंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो जाओगी। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। क्या बात है, बड़ी कॉफी शॉप पे ले जा रहा है आजकल। भाई मैं नहीं लेके गया, वो मेरे को लेके गई, बता रही थी डांसर बनना चाहती हूँ, माधुरी दीक्षित ये वो। तो तू बताता, तू भी तो चैंपियन है डांस का। मैंने कब डांस किया भाई? तू नाचता तो है बारह तो भंडारों में। अरे ओ तुम क्यों आई? क्यों मैं आ नहीं सकती? नहीं मैं तो यूं ही कह रहा था। राघव भैया बस का टाइम हो गया है, चलें। सिया अब जाना पड़ेगा, बस का टाइम हो गया है। फिर वापस कब आओगे? जब तुम बुलाओगी। क्यों मैं नहीं बुलाऊंगी तो नहीं आओगे? आऊंगा ना, पर इस बार तुम्हें लेके जाऊंगा। क्या हो गया भाई, रुक क्यों गया? कुछ सही नहीं लग रहा यार। क्या सही नहीं लग रहा? कुछ भी, सब पास होते हुए भी सब दूर लग रहा है, कुछ खोया नहीं फिर भी खाली सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मानव कैसी फीलिंग है ये? ऐसा कुछ नहीं है राघव। सिया Thank you.
गया वहां से आपकी आंखों में आंसू क्यों? शिव और कृष्णा को देखकर ही हमने मोहब्बत में कदम रखा था, लेकिन शायद हम ये भूल गए थे कि वो भी प्यार के लिए तड़पे और रोए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या? तुझसे बिछड़ना है।